आज के डिस्कशन का टॉपिक है हमारे जोड़ों से आने वाली आवाज यानी क्रेपिटस साउंड यानी कड़कड़ की आवाज आना। इसको समझने के लिए हम इसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं, नॉर्मल साउंड और एबनॉर्मल साउंड। नॉर्मल साउंड यानी जब भी हमारे जोड़ों से आने वाली आवाज के साथ दर्द, सूजन या रेडनेस नहीं है तो ये नॉर्मल साउंड मानी जाती है, यानी इससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल है और जॉइंट्स आपके हेल्दी हैं। क्रेपिटस यानी हेल्दी जॉइंट्स में आने वाली आवाज, जिसको हम कड़क कड़क की आवाज भी बोल सकते हैं, उसका मेन कारण होता है हमारे जॉइंट्स में फ्लूइड के अंदर पाए जाने वाली गैसेस। जब भी हमारे जॉइंट्स मूवमेंट करते हैं तो ये गैसेस बबल्स के रूप में बन जाती हैं, और ये बबल्स जब जॉइंट सरफेस के बीच में आके टूटते हैं तो ये पॉपिंग साउंड या क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो आपके भी जॉइंट से अगर कुछ क्रैकलिंग साउंड्स आती हैं और साउंड के साथ सूजन, दर्द या रेडनेस नहीं है तो आप इसे नॉर्मल समझें और घबराएं बिल्कुल नहीं। आपके जोड़ों से आने वाली आवाज के साथ अगर दर्द, सूजन या रेडनेस है तो आप इसको एबनॉर्मल साउंड की कैटेगरी में डालेंगे, यानी हमें इसका कारण ढूंढना होगा, इसकी पैथोलॉजी ढूंढनी होगी कि इसमें क्या कारण रहा है। जब भी आपके जोड़ों से आने वाली आवाज दर्द या सूजन या रेडनेस के साथ एसोसिएटेड है, ये एबनॉर्मल साउंड है, यानी ये किसी पैथोलॉजी की तरफ इशारा करती है। पैथोलॉजी में इसका मेन रीजन रहता है हमारे ज्वाइंट की आर्थ्रोपैथी होना, यानी ज्वाइंट का खराब हो जाना। आर्थ्रोपैथी यानी ज्वाइंट के खराब होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस या ज्वाइंट के ऊपर चोट लगना या ज्वाइंट में इंफेक्शन होना। किसी भी आर्थ्रोपैथी के कारण जब भी ज्वाइंट सरफेस यानी कार्टिलेज हमारा रफ हो जाता है और यह फ्रिक्शन करता है तो एबनॉर्मल साउंड प्रोड्यूस करता है, या किसी कारण से ज्वाइंट के अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर जैसे कि नी ज्वाइंट में पाए जाने वाला मेनिस्कस, इसकी इंजरी होती है तो ये ज्वाइंट में बीच में फंसना शुरू करता है और ये कड़क कड़क की आवाज कर सकता है, या नी ज्वाइंट में ACL या कोई और लिगामेंट टियर के कारण जब ज्वाइंट लूज हो जाता है तो सर्फेसेस आपस में टकराती हैं जो एक साउंड प्रोड्यूस कर सकती हैं। अगर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की बात करें तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में जैसे हमारा शोल्डर ज्वाइंट है या हिप ज्वाइंट है, इनमें एक सॉकेट होता है, एक बॉल होती है, तो इनके आउटर स्ट्रक्चर सॉकेट के ऊपर एक लेब्रम रहता है जो कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर रहता है। इसकी इंजरी के कारण जब ये टूट के ज्वाइंट के अंदर आता है तो ये भी क्रैकलिंग साउंड यानी क्रेपिटस प्रोड्यूस कर सकता है। ज्वाइंट से आने वाली एबनॉर्मल साउंड्स यानी एसोसिएटेड विद सम पैथोलॉजी, इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ये डिपेंड करेगा कि पैथोलॉजी क्या है। जैसे कि अगर इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करना होगा, अगर जॉइंट के अंदर कोई लूज बॉडी है तो उसको निकालना होगा, अगर मेनिस्कल टेयर है नी जॉइंट में तो उसको रिपेयर कर सकते हैं या मेनिसेक्टमी कर सकते हैं, एशियल लिगामेंट टेयर है, कोई और लिगामेंट टेयर है तो उसको रिपेयर कर सकते हैं, शोल्डर जॉइंट में लेबरल टेयर है तो उसको रिपेयर कर सकते हैं, या किसी टाइप की आर्थराइटिस है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है या गाउटी आर्थराइटिस है, उनको मेडिकली एंड सर्जिकली हम ट्रीट कर सकते हैं। तो जैसे ही पैथोलॉजी ठीक होगी तो एक क्रेपिटस साउंड हमारी खत्म हो जाएगी। मुझे आशा है कि जोड़ों से आने वाली आवाज यानी क्रैकलिंग साउंड या क्रेपिटस के बारे में मैं काफी हद तक आपको जानकारी इस छोटे से वीडियो के थ्रू दे पाया हूंगा। फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें या हमें व्हाट्सएप करें, और ऐसे ही बोन एंड ज्वाइंट्स के हेल्थ वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।